इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेटेस्ट अपॉइंटमेंट के बारे में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है कि आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है एस जानकी रमन को। इसके बारे में और जान लेते हैं। तो एस का मतलब यहाँ पे स्वामीनाथन जानकी रमन, इनको जो है नए जो है डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है आरबीआई के। ठीक है, इनको 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। और इन्होंने किसको सक्सीड किया? तो महेश कुमार जैन को सक्सीड किया, जिनका टेन्योर 22 जून को खत्म हुआ है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। तो अभी प्रेजेंट में जो गवर्नर है आरबीआई के, उनका नाम है शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर है ये। और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं आरबीआई में, तो जान लेते हैं उनका नाम क्या क्या है। एक है टी रवि शंकर, दूसरा अभी नए नए नियुक्त हुए हैं स्वामीनाथन जानकी रमन, तीसरा है माइकल पात्रा और चौथे हैं एम राजेश्वर राव। ये 4 डिप्टी गवर्नर आरबीआई में प्रेजेंट हैं। और कुछ जान लेते हैं, तो चेयरमैन जान लेते हैं एसबीआई के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा और सेबी के चेयरमैन है माधवी पुरी भुज, जो कि फर्स्ट फीमेल चेयरमैन है सेबी के। बढ़ते हैं नेक्स्ट, भारत के 28वें सीजीए के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सीजीए के रूप में नियुक्त किया गया है एस एस दुबे को, नियुक्त किया गया है 28वें सीजीए के रूप में। इनके बारे में और जान लेते हैं। सीजीए का मतलब होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ये क्या काम करते हैं? तो ये प्रिंसिपल एडवाइजर होते हैं अकाउंटिंग मैटर में, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट के। किनको नियुक्त किया गया है? एस एस दुबे को नियुक्त किया गया है। कितने नंबर की सीजीए हैं? 28 नंबर की सीजीए बने हैं। कुछ और लेटेस्ट अपॉइंटमेंट देख लेते हैं 2023 के, जैसे कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SECI, इसके MD कौन बने हैं? अजय यादव जी को इनको बनाया गया है MD सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के। BSF के DG कौन बने हैं, डायरेक्टर जनरल? तो उनका नाम है नितिन अग्रवाल, नितिन अग्रवाल को बनाया गया है BSF के नए DG। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI के नए DG बने हैं जनार्दन प्रसाद। नेक्स्ट, सेल के चेयरमैन बने हैं, चेयरमैन और MD दोनों पद दिया गया है अमरेंद्रु प्रकाश को, अमरेंद्रु प्रकाश को दिया गया है चेयरमैन और MD का पद सेल के। नेक्स्ट, TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के CEO कौन बने हैं? के कीर्तिवासन। नेक्स्ट, न्यू सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन बने हैं? तो प्रवीण श्रीवास्तव जी को बनाया गया है न्यू सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। CBI के डायरेक्टर कौन बने हैं? तो CBI के डायरेक्टर नए नए बने हैं अभी प्रवीण सूद। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, एक और ये तो अभी जानी गए हमने, 28 CGA कौन बने हैं? SS दुबे बने हैं। विश्व बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो विश्व बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अजय बांगा साहब को। विश्व बैंक के बारे में और जान लेते हैं। तो विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1944 में हुआ था। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे, यानी वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो Washington DC में है। इसके हेड कौन है, प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो अजय बांगा साहब बने हैं। अंशुला कांत क्या है, तो MD एंड CFO है वर्ल्ड बैंक की। और इंद्रमित गिल के है चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइजर है ये वर्ल्ड बैंक के। बढ़ते हैं नेक्स्ट, नीति आयोग के नए CEO के रूप में नीति आयोग के CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो BVR सुब्रमण्यम जी को नियुक्त किया गया है CEO ऑफ नीति आयोग। इनके बारे में और जान लेते हैं। तो सुब्रमण्यम BVR सुब्रमण्यम वो किन को रिप्लेस करेंगे? तो परमेश्वरन अय्यर को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, YouTube के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो YouTube के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है नील मोहन साहब को नियुक्त किया गया है। जान लेते नील मोहन साहब जो इंडियन ओरिजिन है, ठीक है, और YouTube का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो कैलिफोर्निया में है। ठीक है, और लॉन्च कब हुआ था YouTube सबसे पहली बार? तो 14 फरवरी 2005 को ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, अभी इसको कौन ऑन करती है? गूगल ऑन करती है इसको। कुछ इंपॉर्टेंट CEO के बारे में जान लेते हैं। तो YouTube के CEO कौन हो गए? नील मोहन। मेटा के CEO ऑफ यानी फेसबुक, जिसका नाम अब मेटा हो गया, मार्क जुकरबर्ग। माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला। गूगल के CEO सुंदर पिचाई। ट्विटर के CEO लिंडा याक्रिनो। नेक्स्ट, एप्पल के CEO टिम कुक। अमेजोन के CEO एंडी जर्सी हो गए। और एडोब के CEO है शांतनु नारायण। फ्लिपकार्ट के CEO कल्याण कृष्णमूर्ति। ICICI के CEO कौन है? जेफ एलाडाइस। ठीक है, BCCI के CEO कौन है? हेमंग अमीन। हेमंग अमीन BCCI के CEO हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष चेयरमैन, अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन एंड CEO किन्हें बनाया गया है? तो ये बनाया गया है अनिल कुमार लाहौटी साहब को बनाया गया है। अनिल कुमार लाहौटी साहब को बनाया गया है रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसको CEO कहते हैं हम लोग।
कब से चार्ज लेना, कब से चार्ज लिया इन्होंने, तो 1 जनवरी 2023 से इन्होंने चार्ज ले लिया है। इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, तो विनायक कुमार त्रिपाठी साहब को इन्होंने रिप्लेस किया है और बन गए हैं अब सीईओ, और चेयरमैन कौन, अनिल कुमार लाहोटी। हाल ही में नए कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर किन्हें नियुक्त किया गया है, ये नियुक्त किया गया है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी को नियुक्त किया गया है। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी बन गया है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, ठीक है। हाल ही में नए चुनाव आयुक्त के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, तो नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है अरुण अरुण गोयल जी को नियुक्त किया गया है। तो अरुण गोयल जी जो कि नवंबर 21 से उन्होंने अपना ऑफिस ज्वाइन किया है, और दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, एक तो हो गया अरुण गोयल जिनको अभी अभी नियुक्त किया गया है, और एक अनूप चंद्र पांडे जी है, और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनका नाम है राजीव कुमार जो कि 25th नंबर के हैं, और एक डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर होते हैं जिनका नाम है अजय भादू। समझ गए, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, नाबार्ड, ठीक है, नाबार्ड के नए चेयरमैन किन्हें बनाया गया है, तो चेयरमैन बनाया गया है साजी केवी को बनाया गया है। नाबार्ड के बारे में और जान लेते हैं, तो नाबार्ड का पूर्ण फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो 1982 में हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, तो मुंबई है, ठीक है। और इन्होंने रिप्लेस किया है जो अभी बने हैं चेयरमैन जिनका नाम साजी के भी है, उन्होंने रिप्लेस किया है एमडी मुस्तफा को रिप्लेस किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कांग्रेस का नया अध्यक्ष प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है मल्लिका अर्जुन खड़गे को नियुक्त किया गया है। तो मल्लिका अर्जुन खड़गे ने ओपोनेंट में इनके खड़े थे शशि थरूर, इनको हरा दिया है। खड़गे को 7,897 वोट मिले थे, थरूर को जी को सिर्फ 1,072 वोट ही मिल पाया। तो इस तरह से नए प्रेसिडेंट बन गए कांग्रेस के, ठीक है। और ये कहाँ से है, बिलोंग करते हैं कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ का नया अध्यक्ष, अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन नियुक्त किया गया है, तैयब इकराम जी को नियुक्त किया गया है। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो इन्होंने रिप्लेस किया है नरेंद्र बत्रा को रिप्लेस किया है, ठीक है। अभी प्रेजेंट में इंडिया के जो मेंस हॉकी कोच है उनका नाम है क्रैग फुलटॉन नाम है, जो कि साउथ अफ्रीका से है। हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है, दिलीप टर्की है हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट। और 2023 का जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हुआ वो कहाँ पे हुआ, ओडिशा में हुआ है, ठीक है। तो ये थे कुछ फैक्ट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो उनका नाम है जगदीप धनखड़। इनके बारे में और जान लेते हैं, तो ये 14th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडिया के। जब ये इनका जब चुनाव हो रहा था, इनके ओपोनेंट अपोजिशन कैंडिडेट कौन थी, मार्गरेट अलवा थी जो कि कांग्रेस से थी, और ये बीजेपी की तरफ से थे। ये फॉर्मर गवर्नर भी रह चुके हैं वेस्ट बंगाल के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश है, 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो उनका नाम है डी वाई चंद्रचूड़। उनका क्या नाम है, डी वाई चंद्रचूड़, ये 50वें नंबर के भारत के मुख्य न्यायाधीश है। तो 48th नंबर के जो चीफ जस्टिस थे उनका नाम था एन वी रमन था, 49th नंबर के थे यू यू ललित, और 50th नंबर के है डी वाई चंद्रचूड़। और पहले चीफ जस्टिस कौन थे इंडिया के, उनका नाम था हीरा लाल जे कानिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, ठीक है। जो सीजीआई होते हैं और जो जजेज होते हैं सुप्रीम कोर्ट को, उसको कौन अपॉइंट करता है, उनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, ठीक है। और ये किस आर्टिकल में इसके बारे में बताया गया है, तो वो आर्टिकल नंबर 124 में इसके बारे में बताया गया है। और चीफ जस्टिस का टेन्योर कितने ईयर का होता है, तो 65 ईयर्स का टेन्योर होता है। हाल ही में भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल 16th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो नियुक्त किया गया है आर वेंकटर मणि जी को नियुक्त किया गया है। इन्होंने रिप्लेस किया है के वेणुगोपाल को रिप्लेस किया है, जो कि 15th नंबर के अटॉर्नी जनरल थे इंडिया के। इसके बारे में जो अब बताया गया है अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है, तो 26 नंबर आर्टिकल में बताया गया है। अभी करंट में सॉलिसिटर जनरल कौन है इंडिया के, तो उनका नाम तुषार मेहता है। और सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है अभी, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। इनको अपॉइंट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के दूसरे सीडीएस सेकेंड सीडीएस कौन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो उनका नाम है अनिल चौहान। अनिल चौहान जो है भारत के दूसरे सीडीएस है। भारत के पहले सीडीएस थे जिनका नाम था जनरल बिपिन रावत, जिनका मृत्यु हो गया था एक चॉपर एक्सीडेंट में, ठीक है। अभी एयरफोर्स के जो चीफ है उनका नाम है वी आर चौधरी।
भारत के 15वें राष्ट्रपति यानी 15th प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। इनके बारे में और जान लेते हैं, तो ये भारत की पहली ट्राइबल और सेकेंड वीमेन प्रेसिडेंट है इंडिया की। ठीक है, जब ये चुनाव इनका जब हो रहा था तो उसमें उनका अपोजिशन की तरफ से खड़े थे, उनका नाम था यशवंत सिन्हा। ये एग्जाम का क्वेश्चन बन चुका है एक बार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बीसीसीआई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई, तो उनका नाम है रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी को नियुक्त किया गया है बीसीसीआई का प्रेसिडेंट। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो सौरव गांगुली जी को रिप्लेस किया है। बीसीसीआई के सेक्रेटरी कौन है? जय शाह है। अभी इंडियन टीम के मेंस क्रिकेट कोच कौन है? तो राहुल द्रविड़ है। आईपीएल के चेयरमैन कौन है? अरुण धूमल है। बीसीसीआई का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ? तो मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। हाल ही में नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष न्यू वाइस चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है सुमन बेरी को, नियुक्त किया गया है न्यू वाइस चेयरमैन। इसके बारे में और जान लेते हैं, तो नीति का यहाँ पे फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो नीति आयोग का हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। चेयरमैन कौन है? तो चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो नरेंद्र मोदी इनके चेयरमैन है। और सीईओ किन्हें बनाया गया है? तो बीवीआर सुब्रमण्यम को सीईओ बनाया गया है। और उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। विश्व बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है इंद्रमित गिल को। इंद्रमित गिल को नए मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है विश्व बैंक के। विश्व बैंक का एस्टैब्लिश कब हुआ था? तो 1944 में हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी है। इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो अजय बांगा साहब है। एमडी एंड सीएफओ कौन है? तो अंशुला कांत है। आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? तो पियरे ओलिवर है। फर्स्ट डिप्टी एमडी कौन थे? तो गीता गोपीनाथ थी। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर गवर्नर जो कि 25th नंबर, उनका नाम क्या है? शक्तिकांत दास नाम है उनका। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र में अगले अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है भारत की तरफ से, उनका नाम रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज, उन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो टीएस त्रिमूर्ति को रिप्लेस किया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है माधवी पुरी बुच। माधवी पुरी बुच को सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो अजय त्यागी को इन्होंने रिप्लेस किया है। ठीक है, 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है राजीव कुमार। राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। इलेक्शन कमीशन जो इंडिया का, वो कब फॉर्म हुआ था? 1950 में फॉर्म हुआ था 25 जनवरी को। इसके बारे में आर्टिकल नंबर 24 में बताया गया है। टर्म कितना होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का? या तो 6 साल या फिर 65 ईयर्स एज कंप्लीट हो जाए। इसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है अपॉइंट। अनूप चंद्रा जो है अभी इलेक्शन कमिश्नर है। फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात हो रही, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो उनका नाम था सुकुमार सेन। ठीक है, हाल ही में डीआरडीओ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डीआरडीओ के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है समीर वी कामत जी को, नियुक्त किया गया है डीआरडीओ के नए अध्यक्ष के रूप में। डीआरडीओ के बारे में और जान लेते हैं। डीआरडीओ का मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मेशन कब हुआ था? 1958 में हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली है। और इन्होंने समीर वी कामत ने किसको रिप्लेस किया है? तो जी सतीश रेड्डी साहब को इन्होंने रिप्लेस किया है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं करंट प्रेसिडेंट इंडिया की कौन है। द्रौपदी मुर्मू है, जो कि 15th नंबर के प्रेसिडेंट है और 21 राज्य से बिलोंग करती है, ओडिशा राज्य से बिलोंग करती है। सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट अभी करंट में कौन है? तो उनका नाम है जगदीप धनखड़, जो कि 14th नंबर के हैं और 21 स्टेट से बिलोंग करते हैं, राजस्थान से बिलोंग करते हैं। और करंट पीएम नरेंद्र मोदी है, जो कि 14th नंबर के हैं। ठीक है, कुछ और अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। तो नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। नीति आयोग का स्थापना होता है 1 जनवरी 2015 को। अध्यक्ष जो पीएम होते हैं, करंट पीएम वही इसके अध्यक्ष होते हैं। वाइस चेयरमैन कौन है? सुमन बेरी है। और भी सीईओ कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम इसके सीईओ है। ठीक है, राज्यसभा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ साहब ही हो जाएंगे, क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वही चेयरमैन होता है राज्यसभा का। उपसभापति कौन है विधानसभा के? तो उनका नाम है
हरिवंश नारायण सिंह, हरिवंश नारायण सिंह वाइस चेयरमैन है राज्यसभा के, लीडर जो हाउस के जो लीडर है उनका उनका नाम है पीयूष गोयल नाम है उनका, ठीक है। और लीडर ऑफ ओपोजिशन का जो सीट है वो वैकेंट है, अभी कोई लीडर ऑफ ओपोजिशन नहीं है। और सेक्रेटरी जनरल जो राज्यसभा का उनका नाम है प्रमोद चंद्र मोदी, प्रमोद चंद्र मोदी सेक्रेटरी जनरल है किसके, राज्यसभा के। लोकसभा के बारे में कुछ जान लेते हैं, तो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला हो गए, ठीक है, जिनको अध्यक्ष कहा जाता है। डिप्टी स्पीकर का सीट वैकेंट है। लीडर जो होते हैं हाउस के वो पीएम ही होते हैं, तो पीएम अभी करंट नरेंद्र मोदी है, तो ये बाय डिफॉल्ट यही इसके लीडर है हाउस के। ऑपोजिशन का जो सीट है वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का सीट वैकेंट है, और सेक्रेटरी जनरल का नाम है उत्पल कुमार सिंह। तो लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल कौन है, उत्पल कुमार सिंह। अब कुछ आर्म फोर्सेस के जो चीफ्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इंडियन आर्मी के बारे में। तो इंडियन आर्मी के जो चीफ है उनका नाम है मनोज पांडे, जो कि 29th नंबर के हैं। नेक्स्ट उनके बाद जान लेते हैं नेवी के चीफ के बारे में। तो उनका नाम है आर हरि कुमार, जो कि 25th नंबर के हैं। एयर स्टाफ यानी एयरफोर्स के जो चीफ है उनका नाम वी आर चौधरी, जो कि 27th नंबर के हैं, ठीक है। और जो सेकंड सीडीएस बने हैं उनका नाम है अनिल चौहान, ठीक है। तो ये आर्म फोर्सेस के जो चीफ है उसका मैंने यहाँ पे डिटेल्स बता दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में जान लेते हैं, उनके चीफ्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं, सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है एस एल थाउसेन, ठीक है। सीआईएसएफ के जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है सील वर्धन सिंह, क्या नाम है, सील वर्धन सिंह। आईटीबीपी के जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है अनीस दयाल सिंह। नेक्स्ट बीएसएफ के जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है नितिन अग्रवाल, क्या नाम उनका, नितिन अग्रवाल। एसएसबी के जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है रश्मि शुक्ला। एनएससी के जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है एम ए गणपति। कुछ और जान लेते हैं, चीफ जस्टिस जो इंडिया के अभी करंट में उनका नाम है डीवाई चंद्रचूड़, जो कि 50वें नंबर के हैं। अटॉर्नी जनरल इंडिया के अभी कौन है, तो उनका नाम है आर वेंकटरमणि, जो कि 16th नंबर के हैं। सोलिसिटर जनरल कौन है, तुषार मेहता। कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल कौन है अभी, तो जी सी मुर्मू, जो कि 14th नंबर के हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है, ये आर्टिकल 148 से 151 के बीच में इसके बारे में बताया गया है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट एस एस दुबे बने हैं, जो कि 20th नंबर के हैं। और भारत के पहले लोकपाल जो उनका नाम है पिनाकी चंद्र घोष। बढ़ते हैं और कुछ जान लेते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनका नाम राजीव कुमार है, जो कि 25th नंबर के हैं। इलेक्शन कमिश्नर कौन कौन है, तो अनूप चंद्र पांडे एंड अरुण गोयल इलेक्शन कमिश्नर है। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर उनका नाम है यशवर्धन कुमार सिन्हा, जो कि 11th नंबर के हैं। चीफ विजिलेंस कमिश्नर उनका नाम है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। सीबीडीटी के जो चेयरमैन है उनका नाम है नितिन गुप्ता। सीबीडीटी का मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। और एआई का मतलब होता है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके जो चेयरमैन उनका नाम है संजीव कुमार। नेक्स्ट सिडबी के जो चेयरमैन उनका नाम है एस एस रमन। सिडबी का मतलब होता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट नाबार्ड के जो चेयरमैन है उनका नाम है साजी केवी। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एलआईसी के जो चेयरमैन उनका नाम है सिद्धार्थ मोहंती। एफएसएसएआई के जो सीईओ उनका नाम है गंजी कमला वी राव। एफएसएसएआई का फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फिक्की, FICCI। उसके जो चेयरमैन बने हैं उनका नाम है सुब्रकांत पांडा, और सेक्रेटरी जनरल बने हैं उनका नाम शैलेश पाठक। एनएससी के जो चेयरमैन है उनका नाम है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। नेक्स्ट FICCI फिक्की के जो सेक्रेटरी जनरल जो अभी मैंने डिस्कस किया उनका नाम है शैलेश पाठक। IRDAI उनके जो चेयरमैन बने हैं इसका नाम है उनका नाम है देवाशीष पांडा। IRDAI का मतलब होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये होता है IRDAI का मतलब। फिक्की का मतलब होता है फेडरेशन ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की का फुल फॉर्म होता है। ट्राई ट्राई के जो चेयरमैन बने हैं उनका नाम है डीपी वाघेला। ट्राई का फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FTII। इसके जो चेयरमैन बने उनका नाम है शेखर कपूर। इसका फुल फॉर्म होता है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, FTII के फुल फॉर्म होता है। यूपीएससी के चेयरमैन बने हैं मनोज सोनी। एनएचआरसी के जो चेयरमैन बने हैं अरुण कुमार मिश्रा, एनएचआरसी के चेयरमैन बने। नेक्स्ट
नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ये अभी करंट में है, उनका नाम है अजीत डोभाल साहब है, सीबीआई के डायरेक्टर जनरल है, उनका नाम है परवीन सूद। क्या नाम है उनका? परवीन सूद। आईबी के जो चीफ है उनका नाम है तपन कुमार डेका। रॉ के जो चीफ है उनका नाम है रवि सिन्हा, रवि सिन्हा रॉ के चीफ है। ठीक है, रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन बने हैं? उनका नाम है अनिल कुमार लाहोटी, रेलवे बोर्ड के सीईओ बने हैं। आरपीएफ के डायरेक्टर जनरल है, उनका नाम है संजय चंद्रा, आरपीएफ के डायरेक्टर जनरल है। नेक्स्ट, इसरो के जो चेयरमैन बने हैं उनका नाम है एस सोमनाथ, जो कि 10वें नंबर के हैं। डीआरडीओ के जो चेयरमैन है उनका नाम है समीर वी कामत। बार्क के जो चेयरमैन है उनका नाम है अजीत कुमार मोहंती, अजीत कुमार मोहंती बार्क के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट, बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है रोजर बिन्नी, जो कि 36 नंबर के हैं। आईसीसी के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। एसीसी, एशियन क्रिकेट काउंसिल, एसीसी का मतलब होगा एशियन क्रिकेट काउंसिल, इसके प्रेसिडेंट जैसा है। फीफा के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है ग्यानी इन्फेंटिनो फीफा के प्रेसिडेंट है। एफआईएच के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है तैयब इकराम, एफआईएच का मतलब होता है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। हॉकी इंडिया के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है दिलीप टर्की। नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। तो एस एस दुबे जो है वो नए सीजीए बने हैं। ठीक है, परवीन सूद जो डायरेक्टर जनरल है सीबीआई के करंट में। एसोचेम के जो न्यू प्रेसिडेंट का नाम अजय सिंह है। नासकॉम के जो चेयरपर्सन का नाम अनंत महेश्वरी है। प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के जो प्रिंसिपल डायरेक्टर है उनका नाम है राजेश मल्होत्रा। एयरफोर्स के जो नए वाइस चीफ बने हैं उनका नाम है अमनप्रीत सिंह, अमनप्रीत सिंह बने हैं वाइस चीफ एयरफोर्स के। आर्मी स्टाफ के जो वाइस चीफ बने हैं उनका नाम है सुचेंद्र कुमार, एमबी सुचेंद्र कुमार। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने हैं पंकज कुमार सिंह। न्यू ड्रग कंट्रोलर जनरल बने हैं राजीव रघुवंशी बने हैं न्यू ड्रग कंट्रोलर। जो चीफ जस्टिस है कलकत्ता हाई कोर्ट, उनका नाम है टी एस शिवा गणानम जो है बने हैं चीफ जस्टिस, किस कहाँ के? कलकत्ता हाई कोर्ट के। और त्रिपुरा हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस उनका नाम है अपरेश कुमार सिंह। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। न्यू ड्रग कंट्रोलर जनरल कौन बने हैं? अभी राजीव रघुवंशी, पिछले स्लाइड में भी था ये। सीएमडी लार्सन एंड टर्बो के जो सीएमडी बने हैं उनका नाम है एस एन सुब्रमण्यम, लार्सन एंड टर्बो के सीएमडी हैं। अमूल के चेयरमैन बने हैं श्यामल भाई पटेल, श्यामल भाई पी पटेल अमूल के चेयरमैन बने हैं। सिविल एविएशन के जो डायरेक्टर जनरल उनका नाम है विक्रम देवदत्त। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी के एमडी एंड सीईओ बने हैं सुंदरा रमन रामामूर्ति जो है एमडी एंड सीईओ बने हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के। पेटीएम पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं सुरेंद्र चावला। और इंडियन ओवरसीज बैंक के जो एमडी और सीईओ बने हैं अजय कुमार श्रीवास्तव। कैनरा बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं के सत्यनारायण राजू, एमडी एंड सीईओ बने हैं कैनरा बैंक के। और इलेक्शन कमीशन जो कि बिहार के स्टेट आइकन के लिए जो नियुक्त किया गया है मैथिली ठाकुर को बनाया गया है स्टेट आइकन बिहार का इलेक्शन कमीशन के द्वारा। नेक्स्ट, भारत के जो दूसरे सीडीएस बने उनका नाम है अनिल चौहान। ठीक है, 50वें सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनका नाम है डीवाई चंद्रचूड़ उनका नाम है। 49वें सीजीआई कौन थे? उदय उमेश ललित, जिनको यूयू ललित भी कहा जाता था। अटॉर्नी जनरल अभी कौन है? तो आर वेंकटरामनी है, भारत के 16वें महान्यायवादी। भारत के जो सॉरी जो G20 हो रहा है उसके जो न्यू शेरपा बने उनका नाम है अमिताभ कांत। लॉ कमीशन के जो नए चेयरपर्सन है उनका नाम है रीतु राज अवस्थी। जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के अध्यक्ष हो गए, सॉरी जी सतीश रेड्डी को रिप्लेस करके समीर वी कामत डीआरडीओ के अध्यक्ष बने हैं। और एस सोमनाथ इसरो के चीफ बने हैं के सिवान को रिप्लेस करके। भारत के नए फॉरेन सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है विनय मोहन क्वात्रा, जिन्होंने रिप्लेस किया है हर्षवर्धन श्रृंगला को रिप्लेस करके बने हैं ये। नेक्स्ट, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो दिल्ली के हैं उनका नाम है विनय कुमार सक्सेना। रॉ के जो चीफ है उनका नाम है रवि सिन्हा, रवि सिन्हा रॉ के चीफ हो गए। डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो तपन कुमार डेका। एनआईए के जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है दिनकर गुप्ता। एडिशनल चार्ज जो दिया गया है लोकपाल का उनका नाम है प्रदीप कुमार मोहंती को दिया गया है। सेक्रेटरी जनरल द्रौपदी मुर्मू के जो सेक्रेटरी जनरल है उनका नाम है राजेश वर्मा। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई, इसके जो हेड बने उनका नाम है रंजन प्रकाश देसाई। नेक्स्ट, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ये कौन है? अनंत नागेश्वरन है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर कौन है? संजय अरोड़ा साहब है। और आईसीएआर के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? हिमांशु पाठक बने हैं आईसीएआर के डायरेक्टर जनरल। नेक्स्ट, पहली वुमेन सीएमडी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन में उनका नाम है परमिंदर चोपड़ा,
और फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल बनी है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च में। उनका नाम है नलाथाम्बी कालाई सेल्वी। कालाई सेल्वी बनी है पहली फीमेल डायरेक्टर जनरल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, यानी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली फीमेल डायरेक्टर जनरल। और प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है श्वेता सिंह जी को। और संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है रुचिरा कम्बोज को। ठीक है, सीबीएसई के जो न्यू चीफ है उनका नाम है निधि छिब्बर सीबीएसई के चीफ है, न्यू चीफ है। और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI देहरादून का डायरेक्टर कौन बनी है, रेणु सिंह। सेबी के फर्स्ट वीमेन चीफ बनी है माधवी पुरी बुच। और जेएनयू की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है, उनका नाम है शांति श्री धूलीपुडी पंडित, जिन्होंने पहली वीमेन वाइस चांसलर बनी है जेएनयू की। और पहली वीमेन सेक्रेटरी कौन है तेलंगाना की, उनका नाम है शांति कुमारी जो है फर्स्ट वीमेन चीफ सेक्रेटरी जनरल है, सेक्रेटरी है तेलंगाना राज्य। तो डायरेक्टर जनरल चेयरमैन और एमडी एंड सीईओ की लिस्ट देख लेते हैं। तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के जो चेयरमैन बने हैं उनका नाम है जी कृष्णा कुमार भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के चेयरमैन बने हैं। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जो CMD बने उनका नाम है ललित कुमार गुप्ता कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने हैं, CMD बने हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के MD एंड CEO कौन बने हैं, आशीष कुमार चौहान बने हैं NSE के MD एंड CEO। ग्राम उन्नति के चेयरमैन बने हैं सुनील अरोड़ा साहब बने हैं। UPSC के चेयरमैन कौन है, मनोज सोनी। SSC के चेयरमैन है S किशोर। डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के डायरेक्टर जनरल कौन है, सत्यनारायण प्रधान है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर एस राजू। NDRF के डायरेक्टर जनरल है अतुल करवाल NDRF के डायरेक्टर जनरल है। और कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल उनका नाम है VS पठानिया कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल जो कि 24वें नंबर के हैं। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC के चेयरमैन कौन है, मनोज कुमार KVIC के चेयरमैन है। पूमा के एमडी है कार्तिक बाला गोपालन। ठीक है, पूमा इंडिया के जो ये क्या है MD है। नेक्स्ट, प्रसार भारती के CEO कौन है, गौरव द्विवेदी प्रसार भारती के CEO है। सांसद TV के CEO कौन है, भी उत्पल कुमार सिंह, इन्होंने रवि कपूर की जगह ली है। पेटीएम पेमेंट सर्विसेज के CEO कौन है, नकुल जैन पेटीएम पेमेंट सर्विसेज के CEO है। जियो के चेयरमैन है आकाश अंबानी, जियो के चेयरमैन है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT के चेयरमैन कौन है, नितिन गुप्ता CBDT के चेयरमैन है। और सेबी के जो होल टाइम मेंबर होते हैं मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के, होल टाइम मेंबर कौन है, अश्वनी भाटिया होल टाइम मेंबर है सेबी के। ONGC के चेयरमैन कौन है, अरुण कुमार सिंह जो है ONGC के चेयरमैन है। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स अपॉइंटमेंट को देख लेते हैं। तो स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इसके प्रेसिडेंट बनाया गया है RN जयप्रकाश को, स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बनाया गया है। ताइक्वांडो इंडिया के प्रेसिडेंट बनाया गया है नामदेव सिरगांवकर को बनाया गया है ताइक्वांडो इंडिया के प्रेसिडेंट। साइकिलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट बनाया गया है पंकज सिंह को बनाया गया है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है, उनका नाम है PT उषा। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट है के गोविंदा राज बास्केटबॉल फेडरेशन इंडिया के प्रेसिडेंट है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया इसके पहली फीमेल प्रेसिडेंट है मेघना अहलावत कौन है, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है, हेमंत बिश्व शर्मा बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट है। BCCI के एथिक्स ऑफिसर और ऑम्बुड्समैन कौन है, तो विनीत सरन BCCI के एथिक्स ऑफिसर एंड ऑम्बुड्समैन BCCI के हैं। एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ शूटिंग वर्ल्ड कप 2023 इसके एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि वर्ल्ड कप 2023 के जो शूटिंग है उसके एडमिनिस्ट्रेटर किसे बनाया गया है, तो AK सिकरी साहब को बनाया गया है एडमिनिस्ट्रेटर। नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने जो है फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर को चुना है हेड कोच, उनका नाम क्या है, उनका नाम है मोंटी देसाई को चुना है उन्होंने हेड कोच के रूप में। नेक्स्ट, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट को देख लेते हैं। तो UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 28 प्रेसिडेंट कौन बने हैं, डेनिस फ्रांसिस बने हैं जो कि त्रिनिदाद एंड टोबैगो से बिलोंग करते हैं।
WMO मेट्रियोलॉजिकल यानी मौसम विज्ञान मौसम केंद्र जो है ना उसके जो प्रेसिडेंट बने हैं, वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रेसिडेंट बने उनका नाम है डॉक्टर अब्दुल्ला अल मैंडोस जो कि यूएई के हैं। फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जनरल ऑफ WMO उनके फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी कौन बनी है, स्केलेस्टे सोलो बनी है जो कि अर्जेंटीना के हैं। ट्विटर के नए सीईओ कौन बनी है, लिंडा याकिनो बने हैं। यूट्यूब के सीईओ कौन है, नील मोहन साहब। और नेक्स्ट जीसी मुर्मू को जो है रीइलेक्ट किया गया है एक्सटर्नल ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में WHO के एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में 4 साल के लिए रीइलेक्ट किया गया है। एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में किसे नियुक्त किया गया है, तो जीसी मुर्मू को नियुक्त किया गया है। फर्स्ट इंडियन अमेरिकन जज एट न्यूयॉर्क कोर्ट, न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले इंडियन अमेरिकन जज कौन बने हैं, उनका नाम है अरुण सुब्रमणियम। न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट ऑफ नासा उनका नाम है ए सी चरनिया, ए सी चरनिया न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट बने हैं नासा के। यूनिसेफ के हेड कौन बने हैं, उनका नाम है कैथरीन रसेल जो कि अमेरिका से है वो बने हेड। FIDE यानी वर्ल्ड चेस फेडरेशन, वर्ल्ड चेस फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं, विश्वनाथन आनंद वर्ल्ड चेस फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं, उर्जित पटेल साहब बने हैं इसके वाइस प्रेसिडेंट। कुछ और इंपॉर्टमेंट देख लेते हैं, IMF के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं, गीता गोपीनाथ डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। WHO के न्यू चीफ साइंटिस्ट कौन बने हैं, उनका नाम है डॉक्टर जेरेनी फरार, जेरेनी फरार जो है ये चीफ साइंटिस्ट बने हैं। चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है, इंद्रमित गिल। ठीक है, IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है, तो IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट उनका नाम है पियरे ओलिवर गौरिचस, ठीक है, जो कि फ्रांस से है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के प्रेसिडेंट कौन बने हैं, उनका नाम है टी राजा कुमार जो कि सिंगापुर से है। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, उनका नाम है गिलबर्ट हांगवो, गिलबर्ट हांगवो जो है डायरेक्टर जनरल बने हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के। सेक्रेटरी जनरल नाटो के सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं, उनका नाम है जेंस स्टॉल्टनबर्ग जिनको एक कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। मेटा के न्यू चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कौन बने हैं, उनका नाम है जेवियर ओलिवन, ओलिवन बने हैं मेटा के न्यू चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। अमेजॉन के सीईओ कौन बने हैं, एंडी जेसी जो है अमेजॉन के सीईओ बने हैं। और यूरोपियन यूनियंस पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट कौन बने हैं, उनका नाम है रोबर्टा मेटसोला, ठीक है, ये बने हैं प्रेसिडेंट यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट के। कुछ इंडियन एम्बेसडर के बारे में जान लेते हैं जो कि दूसरे कंट्रीज में है, तो सऊदी अरब में जो कंट्री एम्बेसडर है इंडिया का उनका नाम है सुहेल एजाज खान, सुहेल एजाज खान सऊदी अरब में इंडियन एम्बेसडर है। जापान में जो इंडिया के एम्बेसडर है उनका नाम है सीबी गॉर्ज, सीबी गॉर्ज जो है जापान में इंडिया के एम्बेसडर है। हाई कमिश्नर ब्रिटेन में कौन है इंडिया का, उनका नाम है दोराई स्वामी, विक्रम दोराई स्वामी। बांग्लादेश में जो है जो उच्चायुक्त है जो हाई कमिश्नर उनका नाम है परनय कुमार वर्मा। यूनाइटेड स्टेट में जो एम्बेसडर है इंडिया का उनका नाम है तरनजीत सिंह संधू। तो आइए इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को एक बार रिवाइज कर लिया जाए, तो वर्ल्ड बैंक के जो न्यू प्रेसिडेंट है उनका नाम है अजय बांगा साहब है। ठीक है, नीति आयोग के सीईओ बने हैं BBR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट, आर्मी स्टाफ के जो वाइस चीफ बने हैं उनका नाम है MV सुचिंद्र कुमार, MV सुचिंद्र कुमार आर्मी स्टाफ के न्यू वाइस चीफ बने हैं। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एंड सीईओ कौन बने हैं, अनिल कुमार लाहौटी साहब बने हैं। फसाई FSSAI के सीईओ कौन बने हैं, गंजी कमला भीराव बने हैं FSSAI के सीईओ। ठीक है, नाबार्ड के चेयरमैन कौन बने हैं, के वी साजी बने हैं नाबार्ड के चेयरमैन। 50th CGI कौन बने हैं, DY चंद्रचूर बने हैं 50th CGI। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं, नए नए तरुण गोयल साहब बने हैं नए नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर। NSA डिप्टी NSA कौन बने हैं, तो पंकज कुमार सिंह डिप्टी NSA हैं। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के न्यू प्रेसिडेंट कौन है, मेघना अहलावत, मेघना अहलावत जो है न्यू प्रेसिडेंट है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के पहली महिला प्रेसिडेंट कौन है, पीटी उषा पहली महिला प्रेसिडेंट है। यूट्यूब के सीईओ कौन है, नील मोहन साहब है। नासा के चीफ टेक्नोलॉजिस्ट कौन बने हैं, उनका नाम है ए सी चरनिया जो कि इंडियन ओरिजिन है। अब कुछ फाइनेंस और बैंकिंग से रिलेटेड अपॉइंटमेंट को देख लेते हैं, तो यूको बैंक के MD कौन बने हैं, अश्वनी कुमार बने हैं यूको बैंक के MD। बैंक ऑफ इंडिया के MD एंड चेयरमैन बने हैं रजनीश कर्नाटक। LIC के चेयरमैन बने हैं सिद्धार्थ मोहंती। बैंक ऑफ बड़ौदा के MD बने हैं देवदत्त चंद, देवदत्त चंद बने हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के MD। RBI के न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं नीरज निगम।
आरबीआई के 25th गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास आरबीआई के 25th गवर्नर है। वर्ल्ड बैंक के न्यू प्रेसिडेंट कौन है? अजय बांगा। चीफ इकोनॉमिस्ट, वर्ल्ड बैंक के नए चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? इंद्रमित गिल। इंद्रमित गिल नए चीफ इकोनॉमिस्ट है वर्ल्ड बैंक के। आईएमएफ के नए चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? पियरे ओलिवर गोरिंचस है चीफ इकोनॉमिस्ट आईएमएफ के। फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है आईएमएफ के? गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ है। एआईआईबी के न्यू वाइस चेयरमैन कौन बने हैं? उर्जित पटेल बने हैं। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन बने हैं करंट में? तो भी अनंत नागेश्वरन, जो कि इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। करंट फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है इंडिया के? टीवी सोमनाथ करंट फाइनेंस सेक्रेटरी है। जो अभी नए नए गवर्नर बने हैं भारत के विभिन्न स्टेटों में, उसको एक लिस्ट देख लेते हैं। तो असम में जो बने हैं उनका नाम गुलाब चंद कटारिया, झारखंड में बने हैं सीपी राधा कृष्णन, आंध्र प्रदेश के बने हैं नए नए अब्दुल एस अब्दुल नजीर, सिक्किम के बने हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, हिमाचल प्रदेश के बने हैं शिव प्रताप शुक्ला, अरुणाचल प्रदेश के बने कैवल्य त्रिविक्रम परनायक, बिहार के बने हैं राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर, लेफ्टिनेंट जनरल जो बने हैं लद्दाख के उनका नाम है बी डी मिश्रा, छत्तीसगढ़ के बने हैं नए नए राजपूत का नाम है विश्वभूषण हरिचंदन, महाराष्ट्र के नए नए बने रमेश बैस, मणिपुर के अनुसुईया उइके, नागालैंड के ला गणेशन, मेघालय का फग्गु चौहान। ये सब नए नए अपॉइंटेड गवर्नर हैं, 2023 में अपॉइंटेड हुआ है इनका। कुछ पीएम और प्रेसिडेंट को भी देख लेते हैं विभिन्न देशों के। तो बांग्लादेश के जो 22वें प्रेसिडेंट बने उनका नाम है शहाबुद्दीन चुप्पू, 22वें प्रेसिडेंट बने हैं कहाँ के? बांग्लादेश के। यूनाइटेड किंगडम के जो नए नए पीएम बने उनका नाम है ऋषि सुनाक। ब्राजील के जो नए प्रेसिडेंट बने उनका नाम है लूला डा सिल्वा, लूला डा सिल्वा जो है प्रेसिडेंट बने हैं ब्राजील के। इटली के नए पीएम बने उनका नाम है जॉर्जिया मेलोनी, जॉर्जिया मेलोनी इटली के नए पीएम है। इसराइल के जो नए पीएम उनका नाम बेंजामिन नेतन्याहू बने हैं, छठे टाइम बने हैं। नेपाल के जो नए पीएम बने हैं उनका नाम है पुष्प कमल दहल नेपाल के नए पीएम बने हैं। श्रीलंका के जो नए प्रेसिडेंट बने उनका नाम है रानिल विक्रम सिंघे। श्रीलंका के जो नए पीएम उनका नाम है दिनेश गुणवर्धना। जापान के जो नए पीएम है उनका नाम है फुमियो किशिदा। इराक के जो न्यू प्रेसिडेंट है उनका नाम है अब्दुल लतीफ रसीद। न्यूजीलैंड के जो नए पीएम है उनका नाम है क्रिस हिपकिंस न्यू पीएम बने हैं। और इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट बने हैं जो कि उनका नाम है अब्दुल फतेह अल सीसी, जो कि 26 जनवरी पर चीफ गेस्ट थे इंडिया के। तो